बस कर देना अम्मी, मुझे लगता है स्नान आ गया है। इस तरह आपको रोते देखेगा ना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा है ना, माँ को रोता तड़पता देख ले, शायद एहसास हो जाए इसे। क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही हैं? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अब क्या किया मैंने? सुबह आपके कहने पर मैंने देसी घी का पराठा खाया, साथ फुल क्रीम वाला मिल्क पिया। जिसना खिला रही है ना, कुछ दिन में किंग कॉन्ग बन जाऊंगा मैं। देखा तुमने, माँ को रोता तड़पता देख के भी कितना मुतमईन है, कोई एहसास है इसे? देखो सना, रिस्क इंसान ही लेता है और जिंदगी तो अपनी जात में खुद एक रिस्क है। माना कि 50-50% चांस है, मगर तुम ऑपरेशन करवा लो और इंशाल्लाह देखना तुम कि ऑपरेशन कामयाब होगा, तुम्हारी ये स्टिक भी छूट जाएगी और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। सारी खूबियों पे इसने मिट्टी डाल दी है। सच पूछो तो अगर मुझे कोई कहे ना कि इस जैसे के लिए अपनी लड़की दे दे तो मैं कभी ना दूं। क्यों नहीं करवा रहा ऑपरेशन? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं, हद हो गई है। कब तक जीऊंगी मैं? क्या हयात खिजर लेके आई हूं मैं? क्या करोगे मेरे बाद? तुम होगे, तुम्हारी ये स्टिक और इसकी ठिक ठिक। लड़कियां नहीं मिलती। अरे आजकल की लड़कियां तो हाथ बढ़ा के सितारा तोड़ना चाहती हैं। कहां से लाऊंगी मैं लड़की तुम्हारे लिए? ऐसा जरूरी भी नहीं है, कोई कोई ऐसी भी हैं जिन्हें दलदल में हाथ डालकर मोती ढूंढने का शौक होता है। अच्छा, और वो कोई लड़की कहां मिलेगी? से मतलब मिल चुकी है। इसका मतलब है तुमने तो मुझे कभी जाना ही नहीं था सिन्हा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैंने कभी इसे देखा होगा? माफ कर दो मुझे। मोहब्बत ऐप पोस्ट होती है। मैंने तुम्हारे दिल को देखा था और तुम्हारी आंखों को। अच्छा, तो फिर क्या नजर आया मेरी आंखों में? शिजरा, तुम कब आई? अभी कपड़े बदलने लगी थी। क्या? मिल चुकी? ये वो लड़की तो नहीं है? वो अज़मत के साथ, तुम्हारे साथ, वो जो तुम उसके साथ? हाँ वही। अब वो तो मैं तुमसे पूछा भी था, तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया उस वक्त। उसे मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। अरे ये आप दोनों क्या कोड वर्ड्स में बातें कर रहे हैं माँ बेटा? कोई मुझे भी बताएगा कौन है, कहाँ रहती है? वो अज़मत को पता है ना? पता है ना अज़मत को? अज़मत को पता है, लेकिन वो अपने अब्बा की बेटी है। हाँ वो तो ठीक है, मगर उसके अब्बू क्या करते हैं? उसके अब्बा स्कूल टीचर थे, इसलिए कि वो फौत हो चुके हैं। स्कूल टीचर और सनान, उनका स्टेटस वगैरह? अरे छोड़ो, ये क्या बात हुई भला? ये बताओ वो देखने में कैसी, शक्ल कैसी उसकी? प्यारी है ना? आपको फकत एक लड़की चाहिए थी ना, वो मिल गई।
अब उसकी शक्ल का क्यों पूछ रही हैं? ये गलत बातें समझाओ इन्हें। अरे ये क्या बात हो, इंसान कद्दू लेने जाता है वो भी खुश शक्ल लेता है, ये तो लड़की की बात है। ये मैं उसे बताऊंगा कि मेरी माँ ने उसे कद्दू का। तो जब तुम मुझे बता नहीं रहे तो मैं अंदाजा ही लगाऊंगी ना। अच्छा दिखा दो तो तुम्हारी आंखों में, आंखों में देखती हूं, उसमें शबी नजर आएगी, उसकी जरूर नजर आएगी। वैसे सिनान तुम इतने एक्साइटेड तो नरमीन से मंगनी के वक्त भी नहीं थे। इसलिए कि उस वक्त मैं एक्साइटेड था ही नहीं। लेकिन अब तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो बहुत खुशी हो। लेकिन नजर नहीं आया।